अस्सलाम दोस्तों, आज आपको नेहरू जी का जो है टोपी पहनते थे कुछ टोपी को आज सिलाई करके आप लोग दिखाएंगे। आप लोग देखिएगा, बड़ी अच्छा से बहुत नाम से सुकून के साथ में देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना है, कपड़ा कटिंग करने से पहले इस चीज़ को ध्यान देना है, ये कपड़ा जो किनारी कोर वाला कपड़ा रहता है इसको इस तरफ यूज़ नहीं करेंगे। इस तरफ यूज़ करेंगे तो ये जो हम टॉप काटते हैं ये राउंड शेप में काटते हैं तो वो लमराता नहीं है, वो खिंचाव हो जाएगा, ये बड़ा निकल जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसलिए हमेशा कटिंग जब करेंगे तो ये आड़ा कपड़ा लेंगे जो लमराता है, जो खिंचाने में आता है, और ये किनारी कोर वाला कपड़ा जो है ये खिंचाता नहीं है, इसलिए इसको इस तरफ यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ ये जोड़ने का टाइम में जो है ये साइड का इसमें आएगा, इस साइड में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो टोपी सही नहीं बनेगा। नाप लेंगे, ये चौड़ाई देखिए, यहाँ पर हमने ये 5 इंच रखा है, ठीक है, ये 5.5 इंच है, तो हम 5.5 के हिसाब से इसको 11 इंच में काट लेंगे। देखिए 11 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 11.25 है, तो एक्यूरेट यही नाप में आ जाएगा 5.5 इंच। और इसका लंबाई जो है माथे के हिसाब से लिया जाता है, ये माथे के हिसाब से जितना आएगा इस माथे में नाप लीजिएगा, छोटा साइज है या बड़ा साइज है जो भी है, या माथे से नाप लेना है और इस तरह से जो नाप करके काटना है। मेरा 22.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, 23.5 में हम काट रहे हैं इसको, तो दबने में आधा आधा इंच जाएगा, ये सही नाप में आ जाएगा। तो इसका लंबाई देख लिया, माथे के हिसाब से लेना है, और चौड़ाई का जो हिसाब है ये आपका 11, 11.5, 11.5, 11.5 इसी तरह का साइज़ रहता है। और अगर छोटा साइज है तो इसको छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे लंबाई में कम होगा तो चौड़ाई में भी कम हो जाएगा। टॉप्स जो ऊपर का कटते हैं, ये ऊपर का टॉप है, ये ऊपर का टॉप भी जो है देख लीजिए 10 इंच का साइज है इसमें, ये बनने के बाद 9.5 इंच आ गया है, तो हम इसको अभी 10 इंच में काट रहे हैं। ये देखिए 10 इंच है, और इसका चौड़ाई जो है आपका 6 इंच है, ठीक है, 6 इंच से एक सूता ज़्यादा ही है, तो आप 6 इंच रख सकते हैं जैसे साइज के हिसाब से, मेरे हिसाब में ये लगता है इसलिए मैंने 6 इंच का रखा है और इधर से 10 इंच का रखा है। तो अब कैसे सिलाई होता है अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये देख लीजिए कपड़ा का साइज हमने बता दिया आपको, अब ये जो है आपको इसको डबल कर लेना है, इस तरह से हाफ कर लेना है, हाफ करने के बाद एक सिलाई सीधा चला लेना है, ठीक है। इसको मैंने एक सिलाई मार लिया है, अब इस सिलाई का पॉइंट को लेकर के यहाँ पर इस कोने पे अटैच करना है, ये उल्टा साइड में है और ये सीधा कपड़ा रहेगा, ये सीधा रहेगा, इसको ऐसे लगाना है। लगाने के बाद इसको इसी सिलाई को फिर यहाँ से हम पीछे साइड से ऐसे देखिए इस तरह से ले लेंगे और इसको पीछे से करके ऐसे लौटा करके यहाँ से फिर इसी पर जो है हम इसको अटैच करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। एक बार और बता देते हैं, देख लीजिए ये कपड़ा रहा और ये है सिलाई का सिस्टम, और इसको यहाँ से अटैच करना है, एक कपड़ा यहाँ लिए, इसी पॉइंट में इसको पीछे साइड से घुमा के लेना है, एक पल्ला को इसी को यहाँ से घुमा के देखिए क्या आ गया यहाँ पर, इसको ले लेना है, ठीक है, ये ऐसे मशीन में लगा दीजिए इसको और यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। और सिलाई स्टार्ट करने के बाद ये कपड़ा हो गया, ये बीच का टॉप है, ये ऊपर का कपड़ा, तीन कपड़ा को हम एक साथ में सिलाई करेंगे। हमको ये पॉइंट आ गया है, पॉइंट आने पर हम यहाँ से आधा में ले लेते हैं इसको, इस तरह से ये हाफ पॉइंट में आ गया। अब यहाँ मशीन रोक देंगे, फिर इसको घुमाएंगे थोड़ा हल्का सा लेकर के कपड़ा खींचेंगे इसको, और बीच का कपड़ा जो है इसको भी खींच के बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा चाप उठा के ऐसा कोना ले लीजिए, कोना लेके फिर इसको स्टार्ट करिए यहाँ से। देख लीजिए तीन कपड़ा हमने साथ में जो लिया था ये आखिरी पॉइंट में आ रहा है, इसको हम ऐसे बराबर से मिला करके सिलाई मारते हुए लेके जाएंगे, और थोड़ा सा पॉइंट जो है इसको हम खुला रखेंगे पलटी करने के लिए। ये तीन कपड़ा में आया, ये टॉप का बीच में है और इधर में है, और देखिए यहाँ मिला करके हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं इसको, ये देखिए इतना दूर में हमने खुला छोड़ दिया है इसका मुंह को, यहीं से हम जो है इसको पलटेंगे, ठीक है। तीन पल्ला है, चाहे आप इधर से पलटी करें या इधर से पलटी करें, कोई भी साइड से आप पलट सकते हैं इसको, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से देखिए ये फटाक से पलटी हो जाएगा, देखिए ये पलट गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना शानदार टोपी तैयार हो गया।
ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मुंह खुला हुआ है अब इसको हम पैक करेंगे और पूरा सिलाई यहाँ पर मारेंगे एक सिलाई, तो ये पैक हो जाएगा और इसको मोड़ के फोल्ड करके हाफ कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से टोपी मेरा जो पहना हुआ है इस तरह से, ये जो हमने खुला था ये खुला वाला को हम इसी तरह से इसको दाब के किनारी में सिलाई ले लेंगे और पूरी तरह से हम गोल सिलाई इसके ऊपर चला लेंगे। कितना शानदार, कितना अच्छा सूरत बन गया है। ये देखिए ये जो खुजड़ा है इसको अंदर घुसा लेंगे इस तरह से और यहाँ से ऐसे करके ले लेंगे और खींच के इसको जो है कपड़ा को मारेंगे सिलाई ये बैठ जाएगी। ये देखिए हमने सिलाई इसका ऊपर का पूरा कर लिया, यहाँ पर ला करके इसको इस तरह से मुँह बांध लेंगे। मैंने राउंड सिलाई मार लिया पूरा, ठीक है। अब इसको इस तरह से रख करके यहाँ पर ऐसे इसको हाथ से प्रेस ऐसे थोड़ा दबाए कर लें और इसको जो सिलाई है यहाँ से आधा इसको कर लें। मैं इसको फोल्ड कर लिया, हाफ फोल्ड कर लिया है इसको, देख रहे हैं चारों तरफ से मैं हाफ फोल्ड कर लिया इसको। अब ये हाथ से मैंने इसको प्रेस मारा है, आप फिर इसको जो है थोड़ा सा आयरन से दबा देंगे और भी साफ सफाई हो जाएगा, दिखाएंगे। ये देखिए मैंने इसको आयरन मार लिया है पूरा, आयरन से साफ कर लिया और इसको देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से बन गया है।